भाई ने इतने पैसे लगाए, घर बेच दिया अपना, फिर भी व्यूज नहीं आए। बोलो अब आप लोग मुझे यार लुटाने में पड़े हुए हो यार। तो हेलो गाइस, कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग? लोग? और आज आ गए हैं Q&A करने के लिए फिर से, ठीक बहुत है? दिन बाद गाइस। हाँ, लग रहा है काफी टाइम बाद Q&A कर रहे हैं और स्टूडियो में कर रहे हैं। फैन चल रहा है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और दुख नहीं सह सकता, ठीक है? अभी पिछली वीडियो बनाई है हमने यार गर्मी में रो रो कर, ठीक है, कूलर वाली वीडियो। तो अब Q&A में तो थोड़ा सा झेल सकते हो ना, हम आराम से बैठ के बनाएंगे बस, ठीक है? तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने देर पहले मैंने डाला पोस्ट? 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले मैं पोस्ट डाला। मन नहीं था Q&A करने का, लेकिन फिर भी डाल दिया है और सोचा आप कर ही लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैं पिक नहीं करूंगा, ठीक है? वैसे भी 90 क्वेश्चन है तो क्या ही ज्यादा पिक करूं इसमें से, ठीक है? अगर पहले डालते 1 दिन पहले तक बहुत क्वेश्चन आते तो हैं। बस सब्सक्राइब कर लो ब्लॉग चैनल को, क्योंकि इस ब्लॉग चैनल पे कुछ ना कुछ आता रहता है। आपको बस एंटरटेन करेंगे कुल मिला के, ठीक है? तो बस सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लो, क्या पता थोड़ी खुशी इधर से ही मिल जाएगी, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक कर दो और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सीटी एक्सपेरिमेंट ने, तो इनका क्वेश्चन है, आपने डोरेमोन मूवी नोबिता चला चांद पे देखा है क्या? हमने नहीं देखा है। नहीं, ये मूवी अभी हाल ही में शायद आई है, नहीं देखा। अरे यार, हमने तो 5-6 साल से डोरेमोन की न्यू चीजें देखना ही बंद कर दिए। जब से पंजाब से यहाँ झारखंड में आए, तब से हमने टीवी तो देखना ही बंद कर दिया। टीवी है भी नहीं घर पे, और चाहे तो मोबाइल में देख सकते हैं, लेकिन अब टीवी चला गया तो फिर डोरेमोन देखने का ज्यादा वो नहीं है, ठीक है? काम बहुत ज्यादा रहता है, मन तो बहुत ज्यादा करता है कभी कभी बचपन में जाने का, लेकिन जा नहीं सकते, है ना? फिर भी हम लोग कभी कभी डोरेमोन देख ही लेते हैं। कभी कभी डोरेमोन देख लेते हैं। हाँ, पुराने एपिसोड्स में ज्यादा मजा आता है। और हमने वैसे भी बहुत सारी मूवीज देखी है, रोबोट मूवी देखी, रोबोट मूवी देखी, सारे पॉपुलर मूवी देख रखी है। बहुत रो चुके हम डोरेमोन के पीछे, ठीक है? डायनासोर वाली मूवी देखी है, और सारी मूवी इमोशनल होती है, ये तो है, ठीक है? तो चलो आप ज्यादा फीलिंग शेयर ना करते हुए, जो लोग डोरेमोन नहीं देख रहे उनको घंटा समझ नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा फीलिंग ना शेयर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एएन एक्सपेरिमेंट एक बात कह रहे हैं, बहुत ही मस्त। जय श्री राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन पूछा है इट्स मी ने, तो इनका क्वेश्चन है, अमृत भाई आपका फर्स्ट वीडियो पर कितना व्यूज आया था? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम बिहार। भाई लगभग 4 साल हो चुके हैं फर्स्ट वीडियो डाले, और मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं कि फर्स्ट वीडियो में कितना व्यूज गया था। मेरे हिसाब से 10 व्यूज आएगा, वो भी हमने ही देखा था। पहले देखो, सबसे पहले हमने वीडियो जब डालना स्टार्ट किया ना, तो लगातार 1 महीने तक वही व्यूज आते थे जो हम देखते थे या किसी से दिखवाते थे मोबाइल में, ठीक है? और गलती से भी, जैसे हमने 15 बार देखा, 15 व्यूज दिख रहे हैं, गलती से भी 16 व्यूज दिख गए। तो ये व्यूज कहाँ से आया? दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये व्यूज कहाँ से आया, ठीक है? इस तरह का हाल होता था हमारा। तो देखो, 15 व्यूज हम खोद देते थे, अगर गलती से 16 आ गया तो यूट्यूब ने पक्का भेजा होगा, इतनी खुशी होती थी ना। तो वो अलग चीज थी और आज अलग चीज है। चलो, आजकल तो हमें 10-10 हजार से मजा ही नहीं आता। हाँ, मजा आता ही नहीं है, इसलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रज्वल रोबोटिक्स ने, तो इनका क्वेश्चन है, अमृत भाई आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? तो भाई मेरा फ्यूचर ड्रीम कुछ स्टेबल नहीं, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ सोचते करने के लिए, और किसी का फ्यूचर ड्रीम स्टेबल नहीं होता। सोचते सभी लोग ये कर लेंगे, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है, ठीक है? तो बस अपना कुछ भी नहीं, आज के बारे में सोचो, आज जियो। अगर आज के बारे में अच्छा सोच लेते हो तो फ्यूचर अपने आप सवर जाने वाला, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है SB सुमित एक्सपेरिमेंट ने, तो इनका क्वेश्चन है, ब्रो आप में से ज्यादा आर्टिस्ट कौन है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम बिलेश परा। तो गाइस, हम में से ज्यादा आर्टिस्ट इसे कह सकते हो, ठीक है? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा ही है। देखो, सबसे पहले तो मेहनत यही ज्यादा करता है। देखो, आर्ट में मुझे शौक तो बहुत ज्यादा है, एंड मैं चाहूँ तो उसको पूरी तरह से अचीव भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन पैशन आर्ट नहीं था, ठीक है? तो मैं किसी भी पेंटिंग में 1 से 2 घंटे दे के परेक मारता हूँ उसको, ठीक है? बना बना के जैसा ही बन जाए, क्योंकि मैं कभी भी किसी पेंटिंग को लॉन्ग टाइम नहीं देता। मेरा मन करता है अगर मैंने इसको शुरू किया तो मैं खत्म कर दूं, तो बस मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता, सीधी बात है। देखो गाइस, ऐसा है, जब मैं ड्राइंग बनाता हूँ तो मुझे 2 दिन 4 दिन कभी कभी 10-15 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन जब अमृत भाई बनाते हैं तो 1-2 घंटे 4 घंटे बन जाता है। अरे तो वो भी काफी अच्छे परफेक्शन। अरे कोई परफेक्शन नहीं, आप चेक कर लेना, इसलिए ड्रॉइंग के मामले तो वैसे अमृत भाई ज्यादा अच्छे से बनाते हैं, और ये मेरे से पहले से ही ड्राइंग बना रहे हैं। चल ज्यादा ठीक, आगे क्वेश्चन पर। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा है कार्टूनिस्ट ब्रू ने, तो इनका क्वेश्चन है, अमृत भाई क्या आप अभी भी कार्टून देखते हो क्या? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अरे ऑब्वियसली, आपके साथ बैठ के देख लेंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई आपने, बहुत मजा आ जाता है। कार्टून देखना ही चाहिए, चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, क्योंकि कार्टून में यादें छुपी होती है। चलो अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। ऐसा अगला क्वेश्चन पूछा है TGSMX एनिमल्स ने, तो इनका क्वेश्चन है, भाई असम से आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है,
महल्ला ऐसे उन्होंने लिखा है। अच्छा, मतलब आपको अगर वीडियो अच्छी देखनी है मेरी तो आप सबको असम का टिकट बनवाना होगा एंड वहां जाकर मेरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि असम से मेरी वीडियो अच्छी लगती है। मैं भी अपनी वीडियो असम में जाकर देखूंगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपका क्वेश्चन शायद नहीं समझ पाए या फिर आपने लिखने में मिस्टेक की होगी, लेकिन हाँ, असम से हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, मतलब आप असम से हमारी वीडियो देखते हैं। चलो थैंक यू भाई असम से वीडियो देखने के लिए, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विपिन क्यूबर ने, तो इनका क्वेश्चन है भाई आपके मंथली इनकम कितनी है, प्लीज रिप्लाई मी, लव फ्रॉम गाजियाबाद। पिछले मंथ कितनी इनकम आई थी? पिछले मंथ इनकम ही नहीं आई थी शायद। ओए ओ आई थी। हाँ गाइस, पिछले मंथ भी इनकम आई थी तो हाँ, ये देखो ये कुछ आई थी इनकम, ठीक है। एंड इतना बहुत है मेरे लिए, क्योंकि अभी शुरू ही किया यार, कितना मिलेगा बोलो। ठीक है, देख लो ये इनकम है, ठीक है, बस शांति मिल गई। बिस्कुट आ जाएगा, बिस्कुट तीन वाला मिलता है, तीन वाला आ जाएगा। चलो ठीक है, शाम को तीन वाला बिस्कुट मिल जाएगा। इनकम ठीक ठाक है, अच्छी इनकम हो जाती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है टेक्निकल गट्टू ने, तो इनका क्वेश्चन है अमृत भाई आपका मेन चैनल पर कितना वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई एक टाइम था जब हम लोग 4000 घंटा पूरा नहीं कर पाते थे, हम लोग को लगा था 4000 घंटा यार क्यों इतना मुश्किल दे रखा है यूट्यूब ने, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे चैनल की लाइफ टाइम की अगर जोड़ू तो 270,000 घंटे जोड़ लो, कितने चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे इससे, ठीक है। 270,000 घंटे पूरे हो चुके हैं और पर मंथ लगभग 20,000 घंटे मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब एक ही महीने में चार चार पांच पांच चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं, इतना घंटा मिल जाता है आज के टाइम पे। तो टेंशन मतलब एक टाइम पे 4000 घंटा बहुत कम लगेगा आपको, बहुत कम, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है यसीन शेख ने, तो इनका क्वेश्चन है आपने आज तक कितने ऑर्डर दिया है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर। भाई देखो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर आज तक कितने ऑर्डर हो चुके हैं ना, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट में हमने एक दो ऑर्डर दिया था और उसके बाद खुद से हमने एक दो ऑर्डर दिया था, अपने पैसे लगाए थे, और उसके बाद से जो ब्रांड्स के ऑर्डर आए हैं ना एक के बाद एक तो लगभग 30 के करीब इतना तो हो ही 30 ऑर्डर्स हो गए होंगे, ठीक है। एंड सामान ठीक ठाक है, अभी और ऑर्डर्स कर दिए हैं और आ जाएंगे, ठीक है, अभी आने वाला है, टेंशन मत लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है दमदार इंडियन फैक्ट्स ने, तो इनका क्वेश्चन है भाई आपके पापा ने कभी मारा है क्या आपको, मजाक कर रहा हूँ सॉरी। तो भाई देखो सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अपने पेरेंट्स से मार ना खाया हो, एंड जिसके पेरेंट्स से मारा नहीं वो पेरेंट्स ही सोते हुए होंगे। देखो यार बच्चे को ट्रैक पे लाने के लिए ना मारना जरूरी है, वो उनका प्यार है, वो उनका हक है। देखो ऐसे नहीं, बचपन में मैं बिल्कुल भी मार नहीं खाता था, बिल्कुल भी नहीं, ये खाता था भाई, बहुत ज्यादा मार खाता था, ठीक है। लेकिन देखो बचपन में मैं जैसे अभी समझदार हूँ ना, बचपन से समझदार रहा हूँ, एकदम शांत, ठीक है, अभी नहीं हूँ, मतलब बचपन से मैं समझदार रहा हूँ लगभग में। लेकिन एक बार मैंने मार खा रखी है, मुझे याद है, उतनी ज्यादा नहीं खाई, जैसे अगर बेल्ट वेल्ट से मार खाई है वैसा कुछ नहीं, जला दो जैसा, मेरे पापा ने कभी किसी को नहीं मारा है ना किसी को छुआ भी, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जगदीप फ्लोसिस ने, तो इनका क्वेश्चन है भाई आप इलेक्ट्रिक साइकिल बनाओ मिलियन व्यूज आएगा। पक्का? हाँ पक्का, मिलियन 10 लाख। वो ध्यान से सुन लेना जरा, प्रज्वल एक्सपेरिमेंट, प्रज्वल भाई का चैनल सर्च करके देखो, भाई ने इतने पैसे लगाए, घर बेच दिया अपना, फिर भी व्यूज नहीं आया, बोलो अब आप लोग मुझे यार लुटाने में पड़े हुए हो यार, ऐसी गलत बातें मत करो, मिलियन व्यूज नहीं आते हमारे, ठीक है, मिलियन व्यूज नहीं आने वाले, तो उस चक्कर में मत रहना। अभी इलेक्ट्रिक साइकिल आएगी, व्यूज आए ना आए, लेकिन कभी ना कभी आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, ठीक है, तो इस चक्कर में मत रहना कि ये बना देंगे तो मिलियन व्यूज आ जाएंगे, हम हर प्रोजेक्ट यही सोचकर बनाते हैं लेकिन आते नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अगला समझा इंडिया द क्रिएटिविटी ने, तो इनका क्वेश्चन है अमृत भाई आपने अपना स्टूडियो बनाया तो उसमें कितना खर्च आया है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई देखो स्टूडियो जब मैंने बनाया था तो उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे डाल दी थी, ठीक है। स्टूडियो में अप्रोक्सली 40,000 रुपीज तक खर्च आ गया, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जिस तरह से हम आराम से काम करते हैं ना उस हिसाब से ठीक है, और आगे अगर आप लोग सपोर्ट करते जाओ तो ये स्टूडियो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ टाइम गुजारने के लिए, अगला जो स्टूडियो आएगा वो बहुत मस्त हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े दिन इतना काम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। आज अगला क्वेश्चन पूछा है अलादीन का फैक्ट, तो इनका क्वेश्चन है भाई आपको बैंक का स्विफ्ट कोड कब कहां से मिला, आप प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई देखो बैंक का स्विफ्ट कोड अगर आप SBI वालों से मांगते हो, नॉर्मली SBI सबके पास होता है, तो वो लोग नहीं देंगे,
क्योंकि SBI अब आपके यहाँ कैसा ब्रांच है मुझे नहीं पता, लेकिन SBI के ज्यादातर ब्रांच छपरी होते हैं, क्योंकि आपको पता है सरकारी लोग काम नहीं करते, ठीक है, एकदम क्या मेरे मुंह से निकल जाए उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन सरकारी बैंक वाले साले काम नहीं करते ढंग से। तो मैं गया था, मैंने मेरे को पता था कि सरकारी बैंक वाले ना SBI वाले कुछ भी ढंग से नहीं देने वाले, और स्विफ्ट कोड तो पूछोगे तो कहेंगे ये क्या है, ये न्यू वर्ड, ठीक है, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं। तो उन लोगों को स्विफ्ट कोड क्या है पता ही नहीं होगा, तो आपको देने क्या वाले है, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल भी केयरिंग नहीं होने वाली आपके। अगर आप जोड़ भी लेते हो बैंक यूट्यूब के एडसेंस से, तो आपका डिले भी हो सकता है पैसा वगैरह, ठीक है, तो सरकारी बैंक के भरोसे मत रहना। मैं चला गया था एक्सिस बैंक में, ठीक है, या तो एक्सिस या तो HDFC, कोई भी प्राइवेट बैंक चुन लो बढ़िया सा, ठीक है। तो मैं एक्सिस में गया था और वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली मुझे उसी टाइम स्विफ्ट कोड दे दिया, ठीक है, मैंने उनको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया एंड उन्होंने डायरेक्टली मुझे स्विफ्ट कोड दे दिया, क्योंकि उनको सारी नॉलेज होती है, पढ़ लिख कर बैंक वाले बनते हैं वो लोग, ठीक है, क्या कर सकते यार, इन लोगों को नहीं पता रहता सही। और नेक्स्ट रहने दो यार, कितने क्वेश्चन पिक करेंगे अब, बाकी अगले में करेंगे, ठीक है, फिर से पूछ लेना जिन लोगों का रह गया है, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नहीं, हाँ है भाई, बहुत सारे रह गए, बहुत सारे हैं। तो चलो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक मतलब नेक्स्ट Q&A मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, आज के ब्लॉग आज के Q&A में इतना ही, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चलो बहुत हो गया, अब शाम भी हो गई, वीडियो लेट मिलेगी आपको ये वाली।